So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube में शॉर्ट्स वीडियो रखने का सही तरीका, कैसे आपको डिस्क्रिप्शन रखना है, कैसे आपको टाइटल रखना है, तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और फिर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलते मेरे फोन के स्क्रीन में आपको मैं जल्द से जल्द बताता हूँ कि कैसे आपको शॉर्ट्स वीडियो रखने का सही तरीका। चलिए दोस्तों, कैसे करना है हमको, सबसे पहले हमें जाना है अपने YouTube में। YouTube जाते साथ ही अपना आपका जो चैनल खुल जाएगा YouTube का, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको जो थ्री नीचे का प्लस का साइन है, प्लस का साइन में क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे आपके, एक अपलोड अ वीडियो, क्रिएट अ शॉर्ट जो बीटा वर्जन आ रखा है अभी आपका, और दूसरा आपका गो लाइव। आपको बीटा वर्जन वाले जो आपका ये क्रिएट शॉर्ट्स में है, इसमें जाना है। आप ऐसे लाइव बना सकते हैं, नहीं तो आपको अगर आपके पास अगर वीडियो रिकॉर्ड पड़ी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें जाना है बॉक्स में, और इसके बाद आपके जॉब बाद आपको सेलेक्ट करनी है वीडियो को भी, आप जो अपनी वीडियो बना रखी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, ये मैं वही डालता हूँ, वीडियो मैंने सेट कर रखी है, वीडियो को मैंने अपने बना रखा है। तो याद रखना, कभी अपनी जो वीडियो होगी शॉर्ट्स में वो कम से कम एक मिनट की होनी चाहिए, एक मिनट ज़्यादा नहीं लेगा इसमें, एक मिनट से कम की होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका शॉर्ट वीडियो एक्सेप्ट हो सकता है। फिर ऐसे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते के साथ ही आपका जो वीडियो है दोबारा प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को प्ले करते साथ ही आप कुछ डाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप म्यूजिक डाल सकते हैं। म्यूजिक डालना है आपको, अगर म्यूजिक यहाँ पर भी इसका जो होगा YouTube का, अगर वो YouTube वाला म्यूजिक होगा, आप अपना डाल सकते हैं या टेक्स्ट डाल सकते हैं, ये आपको टाइमलाइन डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कर लेना, उसके बाद अगर आपको इसका वीडियो सेलेक्ट कर लिया आपने, तो नेक्स्ट करते के साथ ही आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले बता दूँ आपको, जो वीडियो आपने जो डाली है उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे कि मैंने कुछ बताया था इसमें कि आपका ये मतलब स्लोमो वीडियो के बारे में बताया, तो मैं बता हाउ टू मेक स्लोमो वीडियो, ठीक है। तो मैं ये डाल दूंगा, और आपको याद रखना, जैसे आप उसमें रखेंगे टाइटल, तो उसके साथ आपको हैशटैग शॉर्ट्स लिखना है, पर शॉर्ट्स, ओके, ये हैशटैग लाना बहुत जरूरी है, ये लगा सकते हैं। उसके साथ अपना चैनल का आप लिख सकते हैं, आपका चैनल है तो, जैसे कि मेरे एप्स ब्लास्टर का हैशटैग में लगा दूंगा, ठीक है। ये लगाना है, सेम यही चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। तो इसको ऑल कॉपी करके यहाँ से आप अपने डिस्क्रिप्शन में पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऑडियंस को, हम इसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर देंगे, यहाँ से इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको हमने अनलिस्ट कर रखा है, पहले हमें लिस्ट नहीं करेंगे, अनलिस्ट कर रखा है हमने, तो उसको यहाँ से लगा के हम इसको अपलोड कर देंगे। पहले अनलिस्ट रखना है आपको उसके चले भी, क्योंकि अनलिस्ट रखेंगे तो आपको कोई वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश नहीं करना है इसको, अनलिस्ट ही रखना है, देना है। तो उसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे यहाँ से, ये हमारी अपलोड हो रही है वीडियो, ठीक है। अब जैसे ही अपलोड होगी, अपलोड हमारा जो होगा अपलोड होने के बाद, हम इसको क्या करेंगे, आप सीधे सीधे अपने जाएंगे YT वाले में, यानी YouTube स्टूडियो में जाएंगे। YouTube स्टूडियो में जाने वाले के बाद आपको दिखेगा इसमें इंटरफेस, तो हमें इसको क्या करना है, YouTube स्टूडियो में जाना है। हमारे यहाँ देखो आ गया है, वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करते के साथ ही आपको क्या करना है, ऊपर जो पेंसिल का साइन है, जो पेंसिल वाला साइन है, इसमें हमें क्लिक करना है, ये एडिट का साइन होता है। इसमें क्लिक करते के साथ ही आपको क्या करना है, जो आपका जो मेन चीज़ था, जो टाइटल था आपका, यहाँ पर आ चुका है, हमने जो कॉपी किया था इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेम टू सेम सेम यही चीज़ पेस्ट कर देंगे, और ये चीज़ आपका आ गया। तो अब इसको क्या करना है, आपको ये और हैश इसमें और कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं लिखना तो आप रहने दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ शॉर्ट्स लिखना है, मेन अपना डिपेंड करता है आप पे ये। अब इसमें टैग लगा सकते हैं, टैग ऐड टैग में भी आपको शॉर्ट्स लिख देना है, और अपने चैनल का नाम, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपकी जो वीडियो है शॉर्ट्स में अपडेट हो जाएगी। तो अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया एप्स ब्लास्टर के नाम से, ठीक है। अब ये आपको करके यहाँ से सेव कर देना है, सेव करेंगे, लेकिन हमें पहले जो हमारा अनलिस्ट था उसको हम पब्लिश कर देंगे, यहाँ से हम पब्लिश में क्लिक करके, पब्लिक में सॉरी क्लिक करके हम सेव कर देंगे। अब हमारा पब्लिक हो गया, अभी हम इसको यूट्यूब में दे सकते हैं, ये हमारा चला गया अब शॉर्ट्स में। तो ऐसे ही आपको करना है, इसके थ्रू आपका जो वीडियो है सारा शॉर्ट्स में जाएगा आराम से। अब हम देखेंगे इसको शॉर्ट्स में जाएगा, अब मैं आपको दिखा दूँ क्या शॉर्ट में गया है। देखिए अब मैं जाऊँगा अपने यूट्यूब में चैनल में जाऊँगा, अपने चैनल में दिखाऊँगा कि कैसे ये शॉर्ट्स में दिखेगा आपको, ठीक है। मैं अपने चैनल में गया, अब ये देखिए मैंने जो अभी डाला था ये वाला, ये शॉर्ट्स की वीडियो है जो मेरा अभी आया था, हाउ टू मेक स्लोमो वीडियो, ये मेरा शॉर्ट्स में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वीडियो डालनी है।
ताकि आपकी सारी वीडियो शॉर्ट्स में आए और आपको ज्यादा लाइक मिले और उसको ज्यादा व्यू मिले। ओके थैंक यू। सो होप करता हूं आपको वीडियो देखा कितना आसान तरीका था शॉर्ट्स रखने का, आपको समझ में आ गया कि कैसे टाइटल रखना है और कैसे डिस्क्रिप्शन रखना है। इससे ज्यादा आपको व्यूज आएंगे और ज्यादा आपको सब्सक्राइब जुड़ेंगे। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय, सी यू।